भारत का चंद्रयान 3 मिशन बेहद ही सक्सेसफुल मिशन रहा, लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। चंद्रयान 3 के बाद अब बारी है चंद्रयान 4 की, जिसका मेन मकसद होगा चंद्रमा से मिट्टी के नमूनों को धरती पर लाना। और चंद्रयान 4 के इस प्रोजेक्ट में भारत की मदद करेगा जापान। जापान के साथ मिलकर इसरो ने अपने अगले प्रोजेक्ट चंद्रयान 4 पर फोकस कर लिया है, और ये भारत को स्पेस में लंबी उड़ान भरने में मदद करेगा। और आपको बता दूं, चंद्रमा से मून की डस्ट को लाने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी नासा के एस्ट्रोनॉट मून से डस्ट पृथ्वी पर ला चुके हैं, और अब बारी है भारत की। क्या भारत मून से डस्ट को लाने में कामयाब होगा? क्योंकि चंद्रमा से मिट्टी निकालते वक्त नासा का एस्ट्रोनॉट मरते मरते बचा। ऐसा क्या हुआ था उस एस्ट्रोनॉट के साथ के उसकी जान पर बन आई? चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से 51 साल पहले सन 1972 में नासा का एक मिशन अपोलो 17 मून की सरफेस पर जाकर मून डस्ट लाने में सफल रहा। हालांकि ये काम नासा को बहुत ही भारी पड़ सकता था जब बात एस्ट्रोनॉट की जान पर बन आई, क्योंकि चांद से मिट्टी निकालते वक्त अंतरिक्ष यात्री मरते मरते बचा। अपोलो 17 का मेन मकसद था मून डस्ट को पृथ्वी पर लाना, और ये काम मून की सरफेस पर पहली बार हो रहा था। हालांकि एस्ट्रोनॉट चंद्रमा से मिट्टी निकालते वक्त बहुत ही सावधानी बरत रहे थे, और उस एस्ट्रोनॉट का नाम था हैरिसन स्मिथ, जो मून पर कदम रखने वाले अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे। ये अपना काम बड़े ही सावधानी से कर रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि एक हादसा जो उनकी जान ले सकता है, एक छोटी सी गलती जिससे उनकी जान बहुत ही मुश्किल से बची। साल 2019 में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही इस बात का खुलासा किया कि चांद से मिट्टी निकालते वक्त उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जान पर बन आई। उन्होंने बताया कि मून डस्ट निकालते वक्त जब वो डस्ट के सैंपल को कलेक्ट कर रहे थे, तो डस्ट के कुछ पार्टिकल उनके स्पेस सूट पर चिपक गए, और जब अपने यान में वापस आकर उन्होंने डस्ट पार्टिकल को सूंघ कर देखा, तो कुछ डस्ट पार्टिकल उनकी नाक में चले गए, और कुछ ही मिनटों में उनकी नाक में सूजन आ गई और आंखें लाल हो गईं। हालत कुछ ऐसी हो गई कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुए। वो मरते मरते बचे। फिर साथी एस्ट्रोनॉट ने उनके स्पेस सूट और जूतों से मिट्टी निकाली, लेकिन मिट्टी को निकालते वक्त उनका स्पेस सूट और जूते पूरी तरह से खराब हो चुके थे। जूतों की सोल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मून की मिट्टी धरती से अलग है, इसके कण पृथ्वी से काफी अलग है। वैज्ञानिकों की माने तो मून पर लगातार एस्ट्रॉयड टकराते रहते हैं। एक दूसरे से टकराने के बाद इन एस्ट्रॉयड के पार्टिकल मून पर गिरते हैं और वहां की मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, और कई साइंटिस्ट इस मून डस्ट को गन पाउडर भी कहते हैं। और जब साल 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान जो मिट्टी मून से लाई गई थी, उसे देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि पृथ्वी पर जो मिट्टी लाई गई थी वो बहुत ही सुरक्षित कंटेनरों में भरकर लाया गया था, और कोशिश की गई थी कि इस मिट्टी को कम से कम नुकसान पहुंचाकर धरती पर लाया जाए। लेकिन जब कंटेनरों को खोला गया तो नासा के वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि चांद की मिट्टी शीशे के टुकड़ों जैसी लग रही थी। रिसर्च के बाद पता चला कि वहाँ की मिट्टी एस्ट्रॉइड के लगातार टकराने के बाद उनके अवशेषों से बनी है, और ये डस्ट पार्टिकल सबसे पुराने ज्ञात ठोस पदार्थ हैं जो किसी बड़े प्रभाव के कारण बने। हैरिसन स्मिथ और उनके साथी एस्ट्रोनॉट यूजीन सेरनन ने जो मून से डस्ट को कलेक्ट किया, उसके एनालिसिस में एक नए क्रिस्टल का पता चला जिसे जिरकोन कहते हैं, और उसकी उम्र 4.46 अरब साल बताई गई। जिरकोन क्रिस्टल में यूरेनियम परमाणुओं के रेडियो एक्टिव डिके को देखा गया, और यूरेनियम डिके के कारण ही वह मिट्टी शीशे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मून की सरफेस पर ना तो हवा है और ना ही पानी, ऐसी स्थिति में मून की डस्ट समय के साथ और भी ज्यादा शार्प और खतरनाक हो जाती है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। वेल, एक बार फिर मून पर जाने की तैयारी कर रहा है भारत चंद्रयान 4 के जरिए, जो मून पर जाएगा और मून डस्ट के सैंपल को पृथ्वी पर लेकर आएगा।